जय हिंद। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा, लेकिन इससे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो थोड़ा कैलकुलेटिव आ जाएंगे। उसी कैलकुलेशन से कैसे हम लोग को सरपास करना है और अपना आंसर चुटकियों बजाते ही निकालना है, ये हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग यही चीज़ देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर किसी को डाउट है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस चीज़ को क्वेश्चन बोलते हैं, किस चीज़ को डिविडेंड बोलते हैं, किसको डिवाइजर और किसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये बेसिक बस मैंने समझाने के लिए ऐसे ही लिखा था। अब हम लोग इसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हमको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके फिर सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। -37/5 का आपसे रिमाइंडर पूछा है, सिर्फ रिमाइंडर, इसका आंसर नहीं पूछा है, रिमाइंडर पूछा है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप 5 से इसके करीब पहुंचिए, 35, 5 7 से 35, लेकिन ये माइनस में, और 35 से आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर आएगा -2, क्योंकि साइन बड़े वाले का लगता है तो -37 का साइन लगेगा -2, लेकिन रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो रिमाइंडर अपन निकालने के लिए, रिमाइंडर कभी क्योंकि नेगेटिव नहीं होता, तो रियल रिमाइंडर जो होगा वो जो आपका ये आया है इसको आप 5 से प्लस कर दीजिए, 5 -2 3। ध्यान रखिए आपको यहाँ पे माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। माइनस कीजिएगा तो माइनस माइनस पर चल के वहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि प्लस करना है। सिमिलरली देखिए, ये इसमें भी वही काम करना है। 8 से इसके करीब पहुँचिए, 8 -59/8 है, तो 8 7 जो क्या होता है 56 होता है, तो इसका भी रिमाइंडर अपन क्या लिखेंगे, -3 -3 माइनस करने से आएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, रियल रिमाइंडर निकालने के लिए जो आपका -3 आया है 8 से आप उसको प्लस कर दीजिए, तो 8 -3 5 इसका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको वही काम ही करना है। इसको एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको रिमाइंडर डायरेक्ट बता देता हूँ जो आएगा 14, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे भी मैं आपको रिमाइंडर डायरेक्ट बता देता हूँ, ये आपका आएगा 28। ठीक है, इसको आप ऐसे बड़े नंबर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप कैंसिल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये दोनों को कैंसिल करके आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए कैंसिल करने के बाद एक और इसमें चीज़ इंटू करना रहता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको आप 7 से काट दीजिएगा, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, फिर और 2 से काट दीजिएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। टोटल हम लोगों ने दो बार इसको काटा, एक बार 7 से और फिर उसके बाद 2 से, तो टोटल ये 14 से कैंसिल हुआ। ठीक, अब आप देखिए 3/2, इसका अगर मैं रिमाइंडर निकालूंगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है, लेकिन मैंने आंसर शुरू में क्या बताया था, 14 बताया था। तो आपको हमेशा याद रखिएगा, जब कभी आप किसी नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके बाद जिस नंबर से आप उसको सिंप्लीफाई किए थे उस नंबर को ले जाके इससे इंटू कर दीजिएगा, तो 14 × 1 आ जाएगा आपका आंसर 14। सिमिलरली आप इसमें भी काम कीजिएगा, इसके आप किससे काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 5 जा 35 और 7 9 जा 63, 9/5। अब 9/5 को आप दोबारा से कीजिए तो कितना आएगा आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका आएगा 4। फिर इसको अपन किससे काटे थे याद है, 7 से काटे थे, तो 7 को ले जाके इसमें क्या कीजिए, इंटू कीज दीजिए, 7 × 4 और ये आ गया आपका 28 आंसर। चलिए, तो अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिया है क्वेश्चन, ये ऐसे देखने में बड़ा कैलकुलेटिव लगता है लेकिन ये है नहीं होता कैलकुलेटिव, इसमें बस लॉजिक लगाना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 72/71, 72 की पावर 4939, हम लोग को निकालना क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, तो आप कुछ मत कीजिए, बस 71 से इसके करीब पहुंचिए, 71 1 जा होगा और जब इसको माइनस करने के बाद यहाँ पे अंदर कितना बचेगा, 1 बचेगा रिमाइंडर, तो बस जो रिमाइंडर बचने वाला है उसकी पावर में इसको लगा दीजिए 4939। अब 1 की पावर में 4939 हो, चाहे 4 लाख हो, कुछ भी हो, उसका तो आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखिए, 74 से इसके करीब पहुंचिए,
74 से इसके करीब पहुंचेंगे, तो ये जो नंबर है ये इससे एक छोटा है। तो आप याद रखिए, जब भी छोटे नंबर होगा ऊपर में तो माइनस करने से यहाँ पे माइनस वन बचेगा, ठीक है। और माइनस वन की पावर में आप यहाँ पे क्या डाल दीजिए, माइनस वन की पावर में यही चीज डाल दीजिए, 4832। तो फाइनली ये जो है ये इवन है, ये ऑड था, ये इवन है। इवन नंबर अगर माइनस वन के पावर में हो तो आंसर अपना आ जाता है प्लस वन, ठीक है, इतना क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 52 और ऊपर में 51, 52 और ऊपर में 51, तो ये इससे एक छोटा है, तो फिर से जब माइनस करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, मतलब रिमाइंडर में क्या आएगा, माइनस वन। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज है ये भी क्या है, ऑड है, तो माइनस वन की पावर में कोई भी चीज हो, 2931, अगर ये ऑड है तो फिर ऑड में पावर वैसी का वैसी, मतलब जो नंबर रहता है वो वैसी का वैसी माइनस वन ही आंसर आ जाएगा। अगर इवन रहता है तो साइन चेंज हो जाता है, और अगर ऑड रहता है तो साइन चेंज नहीं होता, तो इसका आंसर माइनस वन ही है, ठीक है। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको अलग अलग आप इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको प्लस कर दीजिए बस। 68 से 67 के करीब पहुंचे, कितना आएगा, माइनस वन आएगा, माइनस वन की पावर में 69, प्लस में 4 को ऐसे का वैसे रहने दीजिए, 68 लिख दीजिए, ठीक है। अब सोचिए माइनस वन की पावर में 69 क्या आएगा आंसर, ऑड है, ऑड है तो माइनस वन आ जाएगा। 68 अगर 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, माइनस वन प्लस 4 आंसर आ गया 3। और क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो हम लोग उसको माइनस करते, जैसा कि अगले क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। देखिए 68 है, 67 है और पावर में 69, सेम क्वेश्चन है, बस ये प्लस की जगह मैंने माइनस लिया है ताकि इसमें अपना एक बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी सेम काम होगा, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस वन आएगा, और माइनस वन की पावर में 69, और साथ में क्या आएगा, माइनस 4 और अपॉन में 68। 68 इससे तो हो चुका डिवाइड 67 से, अब इसको 4 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीच में साइन जो है वो माइनस का है, तो यहाँ से तो रिमाइंडर माइनस वन आ गया, जैसे सेम इसमें आया था वैसे ही, लेकिन साथ में इसमें आया माइनस वन और ये आ गया माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस 5। क्या कभी माइनस में रिमाइंडर हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं कि माइनस में रिमाइंडर हो। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जिस नंबर से आपने डिवाइड करना शुरू किया था उससे आप माइनस कर दीजिए, 68 माइनस का 5, 68 माइनस का 5 और आंसर आ गया आपका 63। तो 63 इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। थैंक यू।